यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता है ये, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा तो टाइम लगेगा, पर पेपर इतना अच्छा था कि आप आराम से 80 प्लस कर सकते थे इस पेपर में। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें हम, तो P इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, Q इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, एंड P स्क्वायर प्लस 4PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू बोला AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर, थीटा 0 to π/4 है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, π/2, π/3, π/4 इस तरह के ऑप्शन दिए हैं, फिर A और B की वैल्यू पूछी है। अगर हम लॉजिकली समझें तो P इक्वल टू, इसमें मैं ऑप्शन अभी बताता हूँ कैसे लेना। देखिए एक चीज़ तो आपको देख के समझ में आ रही है, अगर मैं आपसे बोलूँ इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो पक्की बात है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इनके स्क्वायर करेंगे तो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी से कैंसिल हो जाएगा। पर यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4PQ इक्वल टू बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, राइट। अब देखिए एक चीज इसमें अगर मैं एंगल के हिसाब से करूं तो सबसे अप्रोप्रिएट एंगल, क्योंकि पाई बाई टू, पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर और पाई बाई सिक्स में सबसे, पाई बाई टू पे एक जीरो हो जाता है, ये अलग अलग वैल्यू लेते हैं, पर पाई बाई फोर रखूं तो क्या होगा बताता हूं। पाई बाई फोर रखा तो 1/√2, 1/√2 तो एक्स माइनस वाई अपॉन रूट टू आएगा, और अगर यहां पर आएगा एक्स प्लस वाई अपॉन रूट टू, राइट। और अगर मैं आपसे बोलूं इनका मल्टीप्लाई कर दें तो पी क्यू इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, आपने रखा 45, 1/√2, 1/√2 यानी एक तरह से रूट टू कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई अपॉन रूट टू एक्स प्लस, यानी पी क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू, या ऐसा भी बोल सकते हैं 2PQ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं 4PQ क्या होगा तो आप बोलते 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब मैं अगर इस कंडीशन में यहां पर ये ऐड कर दूं पी स्क्वायर प्लस 4PQ प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये तो पहले ही से था, इसमें जोड़ दीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी ये कंडीशन भी बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल की वैल्यू हो गई पाई बाई 4, ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 1, राइट। पाई बाई 4, 3 और माइनस 1, और केवल पाई बाई 4 पे ये बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म आ रही है, बाकी पे नहीं आएगी, ध्यान रखिए, क्योंकि रूट 3/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से ये करा हुआ भी पाई बाई 4, 3 एंड माइनस 1 इज अ राइट आंसर। 3 क्वेश्चन से रिलेटेड थे, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, ए वैक्टर इक्वल टू दिया हुआ है आई माइनस 2j प्लस 5k, बी वैक्टर दिया है 2i प्लस j माइनस 3k, देन व्हाट इज, कितना अच्छा और सिंपल, बी माइनस ए डॉट 3a प्लस बी इज इक्वल टू, सीधा सीधा डॉट मल्टीप्लाई बोला, बी माइनस ए मेंटली करिए, आई प्लस 3j माइनस 8k, बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए कोई। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करिए तो 3 + 2, 5i, राइट, माइनस 6 प्लस j माइनस 5j, 15 माइनस 3 प्लस 12k, आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 माइनस 15 माइनस 12 = 96, तो बस इसको ऐड ही करना, ये माइनस 10 बचा, माइनस 96 यानी माइनस 106 इज आर राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, कितना अच्छा पेपर था, 3i माइनस 2j प्लस k, बी वैक्टर दिया हुआ एक तरह से 2i प्लस 4j माइनस 3k, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ए बी का मॉड बताना है, तो सीधा सीधा बी माइनस ए पोजिशन वैक्टर, तो माइनस i प्लस 6j माइनस ऑफ 4k, यानी 1 + 36 + 16, राइट, 1 + 36 + 16, तो ये हो गया 52√53, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हाइपोटन्यूज एसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, हाइपोटन्यूज इज पी, वेक्टर का क्वेश्चन है, देन व्हाट इज ए बी डॉट ए सी प्लस BC डॉट BA प्लस
सी ए डॉट सी बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बी ए और बी सी, बी ए और बी सी ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा यहां पर देखें तो ए बी और ए सी ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप एक काम भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पैथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए थ्री है, ये मान लीजिए फोर है, ये ए है मान लो, ये बी है, तो ये पी अपने आप ही फाइव हो जाएगा, राइट। अब आपके हाथ में है कि आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक एंगल 90 डिग्री दिया है, ओके। अब क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जीरो हो गया, अब क्या बचा, ए बी डॉट ए सी प्लस सी ए, सी ए को चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो माइनस ए सी डॉट सी बी। तो अगर मैं ए सी कॉमन ले लूं तो क्या मिल गया, ए बी, ए बी माइनस ऑफ, तो माइनस को प्लस लिख दो, बी सी, बी से बी कैंसिल, तो ए सी डॉट ए सी मिल गया। यानी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी पी स्क्वायर डायरेक्टली आंसर आ गया। मत करो वैल्यू वैल्यू लेके, मत करो, आप डायरेक्टली ही कर सकते हो। तो पी स्क्वायर इज अ राइट आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले तो याद रखिए बी सी डॉट बी ए जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर। अब केवल ये बचा है और इसको भी हमने बस सिस्टमेटिक वे में लिखा, ए बी ए सी प्लस, अब इसको प्लस नहीं, इसको प्लस ऐसे ही रहने दो, ए सी बी सी, इन दोनों को आपको पता है ए बी इक्वल टू माइनस बी ए होता है, इन दोनों को ही चेंज कर दिया। तो ए सी कॉमन लिया एंड दिस इज ए बी, टेक्निक बताई थी, बी से बी कैंसिल, देन अगेन ए सी, ए सी ए सी का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द साइड ऑफ अ एंगल बिटवीन द वेक्टर, ए वेक्टर दिया है 2i माइनस 6j माइनस 3k, बी वेक्टर दिया है 4i प्लस 3j माइनस ऑफ k, द साइन, मतलब आपसे साइन थीटा पूछा है। ज्यादा अच्छा यह है कि 1 माइनस कॉस का थीटा से निकाल दो, कॉस थीटा डायरेक्ट निकलता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई से बचेंगे। a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b डायरेक्टली कर सकते हैं, 8 माइनस 18 प्लस 3 अपॉन रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, ये भी वही 16 प्लस 9 प्लस 1, राइट, ठीक है। देखिए यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल ठीक है 16 प्लस 9 प्लस 1। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 11, ये हो गया प्लस का 11 माइनस, यानी माइनस 7, 7 की कोई जरूरत नहीं है, बाय 7 इंटू रूट ऑफ 26 एक तरह से, यानी आप बेसिकली बोल सकते हो 1 बाय रूट 26, यानी ये हो गया रूट 1 माइनस 1 बाय 26, यानी 5 बाय रूट 26, 5 बाय रूट 26 साइन थीटा आ गया। कितने इजीली आपने क्वेश्चन को कर दिया, एंगल एक्यूट होता है इसलिए नेगेटिव से यहां फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे भी वहां स्क्वायरिंग होनी है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस k एंड माइनस 2i प्लस लैम्डा j प्लस 10k आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मीन्स a डॉट b पिछली प्रॉपर्टी से किया था जीरो, तो माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू जीरो, यानी लैम्डा इक्वल टू 4। सोचिए इस लेवल का क्वेश्चन भी है आपके पास, आप कितने इजीली कर सकते हैं, राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, sec tan इनवर्स x है, मेंटली ही करना आप इसको, कैसे कि आप tan इनवर्स x को ऐसा सोचिए, ये लिखना नहीं है, ये a माना तो tan इक्वल टू लॉजिकली x है, यानी ये x है, ये 1 है, तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सीधा सीधा ये क्यों ना हम ऐसा बोले sec इंटू sec इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये, राइट, इसका मतलब होल स्क्वायर भी है, इसका मतलब ये केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसका डिफरेंशिएशन एक स्टेप में आप बोल सकते हैं 2x, यानी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जल्दी, और वो चीज अगर आपने करी तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, नोट कर लीजिए। अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, इवन ऑड फंक्शन खूब अच्छे से पढ़ाए थे आपको, एफ एक्स इक्वल टू, और इनफैक्ट ये एग्जाम्पल मैं हमेशा बोलता हूं ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इवन ऑड का,
क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है, माइनस रखेंगे, और मैंने बताया भी था कि लॉग में हमेशा याद रखिए कि रैशनलाइज कर लिए, लॉग में हमेशा गड़बड़ होती है, लॉग x इक्वल टू लॉग माइनस वन बाय x भी होता है। ये देख के कोई भी इसको नाइदर इवन नॉर ऑड बोल सकता है, बट रिमेंबर इसको मैंने आपको बताया हुआ था कि रैशनलाइज करना मत भूलना, लॉग के क्वेश्चन में हमेशा होता है। इस तरह का क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, वन प्लस एक्स, यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 60-70% 80% तो वो बेसिक एग्जाम्पल्स जो कवर हुए, 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन आपको जो पढ़ाए हुए हैं वो सब है। इवन लास्ट के मॉक सीरीज में आप देखो तो सारे यही क्वेश्चन थे, कितना फायदा हुआ होगा आपको। अब आपने इसको रैशनलाइज किया तो आपको ऐसा मिलेगा, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रैशनलाइजिंग फैक्टर, बस खत्म। यही तो इस क्वेश्चन की टेक्निक थी, ये कैंसिल, ये मिला लॉग, तो इसका आंसर होगा ऑड फंक्शन। बट यही छोटी छोटी चीजें जिसमें गड़बड़ होती है, राइट, ये हो गया, दिस इज ऑड फंक्शन, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।